वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो के साथ द 10 मिनट शो। आज हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कोई ना कोई वर्ष में आए हैं। ये क्वेश्चंस सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स। पेनिनसुलर बोलते ही द आंसर इज रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, जैसे गंगा यमुना दोआब, ये सबसे फर्टाइल एरिया है इंडिया का। विच ईयर इज कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक डिवाइड, 1921। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज ए हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया। द आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज एट बर्नपुर सालेम भिलाई बोकारो, छत्तीसगढ़ भिलाई, जो कि 1955 में हुआ था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, द लीडिंग सेसम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज इंडिया, ऑप्शन 4, उसके बाद चाइना, पहले इंडिया उसके बाद चाइना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल सही है, माउंट आबू राजस्थान ये भी सही है, कोडाईकनाल तमिलनाडु ये भी सही है, शिमला उत्तर प्रदेश नहीं, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, HP। नेक्स्ट, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन January 30th, December 22, September, July 4, July 4, इस डेट को बोलते जिसपे ये जो सन है ना सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है 4 जुलाई को, इसको एफिलियन बोलता है, एफिलियन स्टेट बोलते हैं, और जो सबसे पास रहते हैं, सबसे पास उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। नेक्स्ट, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, मोस्ट डेंसली दैट इज बिहार, 1179, उसके बाद वेस्ट बंगाल, 1029, वेस्ट बंगाल। अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट इन विच डिरेक्शन डज इट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। द आयरन एंड स्टील प्लांट इन बिहार इज, बिहार में विशाखापट्टनम, बोकारो, बर्नपुर, विजयनगर नहीं, बोकारो, बोकारो है, 1965 में हुआ था, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई अवेलेबल एडिबल लैंड एरिया इज रेफर्ड टू एज, पॉपुलेशन डिवाइडेड ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी। द ईस्ट वर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राजील करंट इज कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक, ओ अच्छा नॉर्थ नहीं, ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट काउंटर क्वेश्चन, ये आंसर होगा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आइस ग्लेशियर मेल्टिंग इज ए कॉमन फेनोमेनन लिंक टू द राइज इन अ सी वाटर लेवल, द ग्लेशियर्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन, ग्लेशियर सबसे ज्यादा कहाँ है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, हिमालय, ओके दैट इज अंटार्कटिका। नेक्स्ट, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सातपुरा, पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कार्डमोन, कार्डमोन ये तो साउथ में चल जा रहा है, सातपुरा का पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी, 2, 10, 6 दैट इज नेशनल हाईवे 2। द कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में वाटर भी कम लगता है और ये फर्टिलाइजर भी कम लगता है, ये ड्रिप प्रोसेस में आप अगर मतलब स्प्रे कर देते हो ना तो
तो उसमें वाटर और फर्टिलाइजर दोनों का ही मतलब कम यूज होता है। ये स्टार्ट मतलब ये जो प्रोसेस है ये डेवलप हुआ था इसराइल में। विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली नर्मदा कृष्णा कावेरी तापी। हाँ नर्मदा एंड तापी दोनों ही तो है। नर्मदा एंड तापी ऑप्शन कौन है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस इज कॉल्ड? टू लार्जर लैंड मासेस नैरो स्ट्रिप मतलब एक स्ट्रिप ऐसा होगा जो दो लार्जर ये को कनेक्ट करेगा, वो हुआ इसमास। मैप्स ऑन लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड? मैन मेड और नेचुरल बोथ दैट इज टोपोग्राफिक मैप्स। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस इज डिक्लाइनेशन लैटिट्यूड एजीमुथ एंड डिप दैट इज डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कैटेगराइज एज अ मेजर प्रोजेक्ट इफ इट कवर्स अ कल्टिवेबल कॉमन एरिया ऑफ मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट अबव 10,000 हेक्टर्स। अबव 10,000 हेक्टर्स अगर 2,000 अगर मेजर बोला तो अबव 10,000 अगर मीडियम मीडियम बोला तो 2,000 से 10,000 सॉरी मतलब इसका राइट आंसर यही है। और मीडियम बोला तो ये और अगर माइनर बोला तो होगा लेस देन 2,000 हेक्टर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ ऑपरेशन फ्लड वाज कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। हाँ इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड आपको याद होगा। ऑपरेशन फ्लड ही वो है जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन हाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं जिससे हम लोग का इंडिया ये स्टार्ट होने के बाद हम लोग का इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फेर्स इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था। फेरल्स लॉ विंड चेंज देयर डायरेक्शन। फेरल्स लॉ के अनुसार विंड चेंज देयर डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स राइट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर नहीं राइट RIGHT राइट टुवर्ड्स राइट इन बोथ द हेमिस्फीयर टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं ऑप्शन टू टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न। नॉर्दर्न में राइट से और साउदर्न में लेफ्ट से। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज द ये सिंपल ओजोनोस्फियर। द ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन फोल्डेड सेडिमेंटरी रॉक इज टर्म्ड एज ट्रेलिस डेंड्राइटिक रेडियल। ऑप्शन टू डेंड्राइटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ द मार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज डिमार्केशन सॉरी डिमार्केशन डुरान लाइन मैकमोहन लाइन ये सब तो है। प्लिम्सल लाइन नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं होता। वाटर पोटेंशियल रिमेन्स लोएस्ट इन वाटर पोटेंशियल लोएस्ट होता है। वाटर प्लांट्स नहीं वुडी प्लांट्स सकुलेंट हैलोफाइट्स हैलोफाइट्स में होता है क्योंकि हैलोफाइट्स सेलाइन वाटर में ज्यादा ग्रो करता है सेलाइन वाटर में। नेक्स्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सोल व्हिच इंक्रीजेस द याइल्ड ऑफ राइस इज राइजोबियम एसिडोबैक्टर एसिडोबैक्टर दैट इज एसिडोबैक्टर। नेक्स्ट फ्रॉन्टल साइक्लोन्स ऑकर कैरेक्टरिस्टिकली इन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन मिड लैटिट्यूडनल एंड पोलर दैट इज मिड लैटिट्यूडनल। फ्रॉन्टल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं इसको। योशमाइट इज अ रिवर पीक वाटरफॉल अच्छा नंबर ऑप्शन दिस इज अ वाटरफॉल। वेयर इज द शोर बेस्ट शोर
बेस्ट स्टील प्लांट, दैट इज बेस्ट शोर बेस्ट स्टील प्लांट लोकेटेड तूतीकोरिन सलेम विशाखापट्टनम. ऑफ कोर्स विशाखापट्टनम. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. श्रीनगर कन्याकुमारी मुंबई चेन्नई अमृतसर कोलकाता हैदराबाद भोपाल, दैट इज श्रीनगर कन्याकुमारी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. महादेव हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ मोइकल हिल. इट्स राइट, महादेव हिल्स आर इन द पार्ट ऑफ कर्नाटक. ये तो रॉन्ग ही है. छोटो नागपुर प्लेट, ये भी रॉन्ग है. आर पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस, ये भी गलत है. विच इज राइट, दैट इज वेस्ट ऑफ माइकल हिल्स, ये राइट है. क्योंकि महादेव हिल्स ऐसा है कि सातपुरा जो है ना, सातपुरा रेंज उसका सेंट्रल पार्ट में है और वेस्ट ऑफ माइकल माइकल हिल्स में है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. हिवियट्री ब्राजील, सुमात्रा स्टॉर्म मलेशिया, काजन रिवर बोर्नियो एंड डेकेटोबा फिश ब्राजील. डेकेटोबा फिश ब्राजील में नहीं, ये इंडोनेशिया में है. इंडोनेशिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस इज रिन्यूएबल. रिन्यूएबल दैट इज यूरेनियम. कोल इज नॉट रिन्यूएबल. टिम्बर, टिम्बर इज रिन्यूएबल, नेचुरल गैस नॉट. सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन, एफोरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ओवरग्रेजिंग. नहीं, एफोरेस्टेशन इज द राइट आंसर. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म, स्मोक फ्रॉम बर्निंग रिलीज. एक्चुअली डस्ट स्टॉर्म इज द राइट आंसर. ग्रेट प्रोफाइल ऑफ ए रिवर कोर्स इज ए स्मूथ कर्व इन द अपर कोर्स, स्मूथ कर्व इन द मिडिल कोर्स, स्मूथ कर्व लोअर, स्मूथ कर्व फ्रॉम सोर्स टू माउथ, दैट इज सोर्स टू माउथ. सिंक होल इज अ फेनोमेनन ऑफ टेस्ट टोपोग्राफी. डेजर्ट तुंद्रा कार्स्ट प्लेन, दैट इज कार्स्ट. कार्स्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेल, कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज ट्रांसाइबेरियन. ट्रांसाइबेरियन दैट इज ट्रांसाइबेरियन. कैनाडियन पैसिफिक, कैनाडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस एटलांटिक दैट इज ट्रांस साइबेरियन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट हेल्प्स राइजिंग, एक्चुअली फॉल्स, फॉल्स इट हेल्प्स राइजिंग वाटर टेबल. इट हैज मीट राइजिंग वाटर डिमांड. इट इंक्रीजेस रन ऑफ लॉसेस. नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट इंक्रीज, इट नॉट इंक्रीजेस, इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस. दिस इज द फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटोरी. महानदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ये टिबेट से स्टार्ट हुआ है. टिबेट, टिबेट से स्टार्ट हुआ है. और टिबेट में यारलोंग रिवर था ना, वहां से. विच वन ऑफ वन अमोंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प. थर्मल, थर्मल पावर में बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है. Which of the following option correctly explain the term heat budget? It is amount of heat which the surface of earth receives from the sun. It is a radiation from earth and from the long waves. It is a mode of transfer heat through matter by molecular activity. It is balance between incoming and outgoing radiation. Option 4. It is balance between incoming and outgoing radiation. Next, the layer of atmosphere close to earth surface is called earth surface, exosphere, stratosphere, troposphere. Troposphere सबसे पास troposphere ही है, क्योंकि पहला जो layer है earth surface का ऊपर जो पहला layer है वो troposphere ही है. Which of the following plant shows
क्लोरोप्लास्ट डिमॉर्फिज्म, सुगर सुगर केन, सुगर बीट राइस विथ सुगर केन इज द राइट आंसर, सुगर केन. डे एंड नाइट आर इक्वल एट प्राइम मेरिडियन पोल्स, नॉट एट ऑल, इक्वेटर 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 द आंसर इज इक्वेटर. एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेडिटेरेनियन रीजन, नहीं, मॉनसून क्लाइमेटिक डेजर्ट रीजन, इक्वेटोरियल मॉनसून रेन फॉरेस्ट. एवरग्रीन एवरग्रीन टाइप होता है रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट तो मॉनसून क्लाइमेटिक एरिया यही होगा. द एश ग्रे सॉयल ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रे सॉयल, हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड ग्रे ब्राउन सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, तुंद्रा सॉयल, पॉडजोन, दैट इज पॉडजोन, पॉडजोन. दिस इज द लास्ट, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पर. थैंक यू.